हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोरोफिल या हम कहें पिस्टिल या गायनोशियम। हमने पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किया था जिसको हम क्या बोल रहे थे, माइक्रोस्पोरोफिल, या हम क्या बोल रहे थे, स्टेमिन, जिसके दो पार्ट्स थे फिलामेंट और एंथर। फिर हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किया था, फिर मेल गैमीट का स्ट्रक्चर किया था, पोलन ग्रेन का क्या स्ट्रक्चर होता है। अब हम कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो गायनोशियम के तीन पार्ट होते हैं, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो यहां पर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, जहां पर लैंडिंग होगी, इट इज ए लैंडिंग पार्ट ऑफ द पोलन। क्या बोलेंगे हम इसको, लैंडिंग पार्ट ऑफ द पोलन। दूसरा पार्ट है हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टाइल बोल रहे हैं, और एक स्वलन पार्ट जो थैलेमस के साथ जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। यहीं से क्या बनेगा आपका, फीमेल गैमीट बनेगा। तो जैसे हमने वहां पर किया था एंथर में सैक्स प्रेजेंट थे, पोलन सैक, या हम क्या बोल रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजिया, ऐसे ही यहां पर ओवरी के अंदर लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं, या हम दूसरा नाम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम। तो ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है और बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। ये सारे ओव्यूल एक ओव्यूल हो या बहुत सारे ओव्यूल हो, ये ओवरी से कैसे जुड़े होते थे, बाय द प्लेसेंटेशन। ये सब हमने 11th में पढ़ा था, बाय प्लेसेंटेशन। एक टिश्यू प्रेजेंट होता था प्लेसेंटा, जो क्या कर रहा था, हमारे ओव्यूल को ओवरी के साथ अटैच कर रहा था। तो अब हमने क्या पढ़ना है कि ओव्यूल से कैसे हमारा फीमेल गैमीट बनेगा। तो अब हम मेगास्पोरेंजियम या हम क्या बोले, ओव्यूल का स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। तो वो पार्ट जो हमारा ओव्यूल का, वो पार्ट जो हमारा प्लेसेंटा के साथ जोड़ता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। इसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्यूनिकल। इट हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू प्लेसेंटा, ठीक है। और ओव्यूल का वो पार्ट जो फ्यूनिकल इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, हीलियम। क्या बोलेंगे, हीलियम। इट इज अ पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का वो पार्ट जो फ्यूनिकल के साथ जुड़ा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, हीलियम। हमारे ओव्यूल में दो इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस का मतलब पूरा राउंड नहीं किया हुआ है इंटेगुमेंट्स ने, एक तरफ वो प्रेजेंट नहीं है और दूसरी तरफ वो कंप्लीटली प्रेजेंट है, कंप्लीटली ढका हुआ है उसने। तो वो पार्ट जहां पर इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होती हैं, पहले हम क्या करें, ये दो इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट है, टू इंटेगुमेंट्स आर प्रेजेंट अराउंड दी ओव्यूल। तो वो पार्ट जहां पर इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होती हैं, या हम कहें एक पोर बन रहा है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसके अपोजिट वाला पार्ट जहां पर पूरे इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड चेलाजल एंड। इट इज कॉल्ड चेलाजल एंड, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया कि वो पार्ट जो हमारे प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल को जोड़ रहा है, दैट स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकल, और वो पार्ट ऑफ ओव्यूल जो फ्यूनिकल के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड हीलियम। ओव्यूल इज कवर्ड विद टू लेयर, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, इंटेगुमेंट्स बोल रहे हैं। वो पार्ट जहां पर इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होती हैं, दैट एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड, और दूसरा एंड क्या कहलाता है, चेलाजल एंड कहलाया जाएगा।
अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस प्रेजेंट है। इसका फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इसका फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, या हम कहें रिजर्व फूड मटेरियल है ये हमारा। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक। अभी एम्ब्रियो सैक कैसे बना वो अभी हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा सारा स्ट्रक्चर किसका हो गया, ओव्यूल का, या हम कहें मेगा स्पोरेंजियम। जैसे हमने माइक्रोस्पोरेंजियम किया था, उसमें चार लेयर्स थी, अंदर की तरफ स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट था, उस स्पोरोजिनस टिश्यू में ही मियोसिस हो रही थी और हमारा क्या बन रहा था, मेल गैमेट बन रहा था। तो ऐसे ही ओव्यूल के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं, कौन से, न्यू सेलस सेल्स, अब ये पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ये क्या होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फीमेल गैमीट फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। कौन सा गैमीट, फीमेल गैमीट। तो कैसे होगा ये प्रोसेस, अभी हमने देखा कि दो एंड्स हैं हमारे ओव्यूल में। एक एंड जहां पर इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होती हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड। और दूसरे एंड क्या है, चलाजल एंड। तो कुछ सेल जो क्या है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो न्यू सेलस सेल्स हैं, उनमें से एक सेल डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएट मतलब बाकियों से अलग हो जाएगा। जैसे मैं कहूं ये मेरे बहुत सारे न्यू सेलस सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, अब इनमें से केवल एक सेल डिफरेंशिएट हो जाए, क्या कैसा हो जाए, इस तरीके का हो जाए, तो इट गेट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी सेल। तो क्या होगा कि वो सेल जो किसकी तरफ है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, वहां का एक न्यू सेलस सेल्स गेट डिफरेंशिएटेड। इस डिफरेंशिएटेड सेल को हम क्या बोलेंगे, एमएमसी, क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल। तो क्या हुआ कि हमारे जो न्यू सेलस प्रेजेंट था अंदर की तरफ इंटेगुमेंट में, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, उनमें से एक सेल बाकियों से क्या हो गया, अलग हो गया। उस एक सेल को अब हम क्या बोल रहे हैं, एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में ही क्या होगा, मियोसिस होएगा। मियोसिस क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो यहां से अब आपका एक एमएमसी में मियोसिस हुई तो क्या बन जाएगा हमारा, म्योसिस से कितने सेल बनेंगे, चार। म्योसिस से कितने सेल बनते हैं, चार। मान लो ये सारे हमारे न्यू सेलस सेल्स हैं, बाकी इनमें से केवल इस सेल में म्योसिस हुई, इस सेल से कितने सेल बन गए, चार। ये चार सेल बन गए, क्या बन गए, ये मेगा स्पोर टेट्राड, क्या कहलाया जाएगा, मेगा स्पोर टेट्राड। जैसे वहां पर बन रहा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर टेट्राड, लेकिन वहां पर सारे के सारे ये टेट्राड एक्टिव थे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है।
क्या होगा, यहाँ पर बाकी तीन, ये तीन डीजनरेट हो जाएंगे, दीज थ्री सेल्स गेट डीजनरेटेड, और केवल एक ही सेल आगे फर्दर क्या है डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा। तो टेट्राड के टेट्राड नहीं हमारा फीमेल गेमीट बना रहे, वो जो टेट्राड बना था उनमें से केवल एक ही क्या बना रहा है आगे हमारा फीमेल गेमीट बना रहा है, या हम कहें केवल एक ही सेल पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, मेगास्पोरोजेनेसिस में। इसी रीजन की वजह से हम मेगास्पोरोजेनेसिस को एक और टर्म से जानते हैं, मोनोस्पोरिक इन नेचर, मोनोस्पोरिक इन नेचर। तो क्या कहेंगे हम यहां पर कि जो मियोसिस से, एमएमसी से, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर टेट्राड बने थे, उनमें से तीन क्या हो गए, डीजनरेट हो गए, केवल एक ही सेल नेक्स्ट डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी वजह से, मतलब या हम कहें केवल एक ही फंक्शनल है, क्या है, वन इज फंक्शनल, तो रेस्ट क्या हो गए हैं, डीजनरेट हो गए हैं। इसी वजह से हम मेगास्पोरोजेनेसिस को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक इन नेचर। अब क्या होगा कि ये जो सेल था हमारा, इसमें फर्दर कौन सी डिवीजन होएगी, माइटोटिक डिवीजन होएगी। माइटोटिक डिवीजन कैसी होती है, इक्वेशनल, जितनी प्लॉयडी इसकी थी उतनी ही प्लॉयडी का सेल नेक्स्ट बनेगा। तो क्या होगा, यहां पर हमारा प्लॉयडी मान लो मैं 2n लेकर चल रही हूं, तो यहां पर क्या बन गई, n बन गई। तो ये इनमें से ये तीन तो डीजनरेट कर गए, ये सेल आगे पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन से डिवीजन कर रहा है, माइटोटिक डिवीजन। तो एक सेल लेकर हम चलते हैं, मान लो ये सेल लेकर चल रहे हैं, तो इसी वजह से एक सेल आगे पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या कहलाया जा रहा है, मोनोस्पोरिक इन नेचर। तो पहली डिवीजन होगी इसमें तो कितने बन जाएंगे सेल, दो। फर्स्ट डिवीजन से कितने बने सेल, दो। सेकंड डिवीजन से कितने बनेंगे सेल, चार। थर्ड डिवीजन से कितने बनेंगे सेल, चार से क्या बन गए, आठ बन गए। लेकिन यहां पर जो माइटोटिक डिवीजन है नॉर्मल नहीं है, कैसी होगी ये डिवीजन कि यहां पर न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है प्रॉपरली, लेकिन साइटोप्लाज्म या हम कहे साइटोकाइनेसिस ठीक से नहीं होगी। क्या होगा कि न्यूक्लियस तो डिवाइड करता चला जा रहा है लेकिन जो साइटोप्लाज्म बनना चाहिए वो प्रॉपर नहीं बनेगा। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन क्या होगी, सबसे बाद में, जैसे मैं कहूं यहां पर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुई थी तो दो न्यूक्लियस बन गए थे लेकिन इनकी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई थी, पूरा सेल नहीं बना था। ऐसे ही फिर ये जब दो से चार बन रहे थे तब भी प्रॉपर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, लेकिन जब थर्ड साइटोकाइनेसिस या हम कहें थर्ड माइटोटिक डिवीजन हो रही है तो तब कैसी साइटोकाइनेसिस हुई, ऐसी साइटोकाइनेसिस हुई कि ये जो आठ न्यूक्लियस बने हैं, हम यहां पर टर्म सेल नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि साइटोकाइनेसिस प्रॉपर नहीं हुई है, साइटोप्लाज्म प्रॉपरली डिवाइड नहीं किया है, तो ये साइटोकाइनेसिस अब प्रॉपरली होएगी। तो क्या होगा, ये तीन सेल तो इधर आ जाएंगे, किस तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड। कौन सा था, माइक्रोपाइलर एंड, जहां पर इंटेगुमेंट्स एब्सेंट थी, जहां पर आपका एमएमसी ही जनरेट हुआ था। तो तीन सेल वहां पर बन गए और तीन सेल क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ बन गए, मतलब तीन सेल
यहां पर बन गए। अब ये जो दो न्यूक्लियस हैं, नीचे वाले ये दो न्यूक्लियस हैं, इनमें साइटोकाइनेसिस होती ही नहीं है, ये ऐसे रह जाता है। तो यहां पर कितने सेल बने बच्चे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन सेल बन गए, ठीक है। और न्यूक्लियस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट न्यूक्लियस हैं। तो हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस से जो हमारा मेगास्पोर बन रहा है, इट हैज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। दिस इज फीमेल गेमिटोफाइट। तो बच्चे हमने मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या देखा कि जो एमएमसी था हमारा, उससे क्या हुआ? मेगास्पोर टेट्राड बना, उनमें से 3 डी जनरेट हो गए, खत्म हो गए, केवल एक ही मेगास्पोर आगे पार्टिसिपेट कर रहा है। इसलिए हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस के लिए? मोनोस्पोरिक इन नेचर, केवल एक ही सेल आगे फर्दर डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा। 4 के 4 टेट्राड, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। अब ये जो हमारा सिंगल सेल है, इसके अंदर क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होएंगी। और ये माइटोटिक डिवीजन क्या होती है? जब इक्वेशनल डिवीजन होती है। लेकिन ये माइटोटिक डिवीजन भी क्या होंगी? प्रॉपर नहीं होएंगी, इनमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगा स्टार्टिंग में। पहले क्या हुआ? न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया फर्स्ट डिवीजन में, सेकेंड डिवीजन में 4 न्यूक्लियस बन गए, थर्ड डिवीजन में 8 न्यूक्लियस बन गए। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी और वो साइटोकाइनेसिस इस तरीके से होगी, 3 सेल एक तरफ बनेंगे, 3 सेल एक तरफ, और बीच में क्या बनेगा आपका? सेंट्रल सेल। ये जो स्ट्रक्चर बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, इसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। यही क्या कहलाता है? फीमेल गेमिटोफाइट। मेल गेमिटोफाइट क्या बना था हमारा? पोलन ग्रेन। फीमेल गेमिटोफाइट क्या बन रहा है हमारा? एम्ब्रियो सैक। तो अब हम एम्ब्रियो सैक का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं। 3 सेल में बता रही हूं, इधर बन रहे हैं, कौन सा एंड है ये हमारा? माइक्रो पाइलर एंड। तो 3 सेल हमारे माइक्रो पाइलर एंड की तरफ हैं। इन सेल को हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। ये सेल क्या कहलाए जाएंगे? एंटीपोडल सेल कहलाए जाएंगे। और 3 सेल इस माइक्रो पाइलर एंड के अपोजिट एंड कौन सा था? जहां पर इंटेगुमेंट्स कंप्लीट थी, उसको हम क्या बोलते थे? चलाजल एंड। चलाजल एंड की तरफ हमारे पास 2 तरीके के सेल्स हैं। एक तो वो सेल जिनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं, इन दोनों सेल्स को जिनमें प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिड सेल। क्या बोलेंगे हम? सिनर्जिड सेल। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या कहलाती हैं? फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस कहलाएंगे, ठीक है। तो 2 सिनर्जिड सेल प्रेजेंट है हमारे, और इनके बीच में एक सेल प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? एग सेल। क्या बोल रहे हैं हम? एग सेल। ये दोनों सेल मिलकर एग सेल और सिनर्जिड सेल क्या बनाएंगे? एग अपरेटस। तो 3 सेल इधर हो गए बच्चे, 3 इधर हो गए, 6 सेल हो गए। बीच में हमारा केवल एक सेल प्रेजेंट है और उसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं? 2। ये एक सेल प्रेजेंट है। इस एक सेल को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। क्या बोलेंगे हम? सेंट्रल सेल। इट हैज 2 न्यूक्लियाई, इट हैज 2 न्यूक्लियस। तो टोटल कितने सेल हुए बच्चे? 1, 2, 3, 4। दिस इज 1 सेल हैविंग 2 न्यूक्लियस।
चार पांच छह सात, तो कितना हुआ सेवन सेल, और कितने न्यूक्लियस हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियाई किसके अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो तीन सेल है उन्हें हम क्या बोल रहे हैं एंटीपोडल सेल, आपके चलाजल एंड की तरफ जो तीन सेल प्रेजेंट है उनको हम क्या बोल रहे हैं एग एपरेटस, जिसमें दो सिनर्जिड सेल हैं और एक एग सेल है, और बीच में क्या प्रेजेंट है आपका सेंट्रल सेल। अब क्या होगा, ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है इसका फंक्शन क्या है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम जो आपका मेल गैमीट आ रहा है उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये फिलीफॉर्म्स अपरेटस प्रेजेंट है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है टू अट्रैक्ट दी मेल गैमीट फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फीमेल गैमीटोफाइट। तो फुल फ्लैश्ड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या बना था हमारा पोलन ग्रेन, क्या मेल गैमीट बना वहां पर पोलन ग्रेन, यहां पर क्या बना मेगा स्पोरोजेनेसिस में एम्ब्रियो सैक। ये कहां पर हो रहा था माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया इसका दूसरा नाम क्या था पोलन सैक। ये कहां हो रहा है मेगा स्पोरेंजिया के अंदर, दूसरा नाम क्या है ओव्यूल। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस में डिफरेंस हम देख रहे हैं, यहां पर सारे के सारे मेगा स्पोर टेट्राड दे आर एक्टिव। ठीक है, दे आर डिफरेंशिएटिंग इनटू पोलन ग्रेन, ऑल माइक्रोस्पोर टेट्राड डिफरेंशिएट इनटू पोलन ग्रेन, जबकि यहां पर केवल ओनली वन मेगा स्पोर टेट्राड, ओनली वन मेगा स्पोर टेट्राड डिफरेंशिएट। ठीक है, तो यहां इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे थे मोनोस्पोरिक इन नेचर, मोनोस्पोरिक इन नेचर। यहां पर एक तो ये हुआ कि सारे के सारे टेट्राड डिफरेंशिएट हो रहे, दूसरा पीएमसी, बहुत सारे पीएमसी में क्या हो रही थी मियोसिस हो रही थी टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर टेट्राड, तो बहुत सारे में मियोसिस हो रही है बहुत सारे टेट्राड बन रहे हैं तो पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन लार्ज इन नंबर, जबकि यहां पर क्या होगा कि केवल वन जो आपका था एमएमसी एक्टिव हुआ था जो किस तरफ था माइक्रोपाइलर एंड की तरफ था, सारे के सारे एमएमसी में बदले नहीं थे, केवल एक सेल एमएमसी में बदला था जबकि पीएमसी क्या थे लार्ज इन नंबर। तो यहां पर एम्ब्रियो सैक केवल एक प्रोड्यूस हो रहा है, पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूसिंग इन लार्ज इन नंबर। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन।